3,76,800 रुपए अपहरण का मामला सामने आया है। सरपंच ग्राम पंचायत भरेवा पूरन कलिता मानिकपुरी लिखित आवेदन लेकर जिला मुख्यालय कबीरधाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने पहुंची थी। पीड़ित सरपंच ने बताया कि वो उनके पति किसी कार्य में जुलाई माह में बिलासपुर गए थे और आने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में पंचायत सचिव ने फर्जी तरीके से सरपंच के हस्ताक्षर कर व सील कर प्रयोग कर राशि अहरण कर ली। फर्जी सील हस्ताक्षर से खाते से गायब हुए लाखों आहरण का मामला सामने आया है। सरपंच ने की सचिव को हटाने की मांग। फर्जी सील एवं हस्ताक्षर से खाते से लाखों रुपए गायब हुए हैं। तीन लाख 76,800 रुपए अपहरण का मामला सामने आया। सरपंच ने की सचिव को हटाने की मांग। विदिशा प्रेस क्लब में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नारायण सिंह कुशवाहा समेत संगठन के कई नेताओं ने फैसला किया है कि आगामी कुश जयंती जिले में एक साथ 23 अगस्त रक्षाबंधन के दूसरे दिन बाजारियों पर्व पर मनाई जाएगी। साथ ही इस दौरान वृद्धजनों को विकलांगों का फल वितरण, समाज के सम्मानीय लोगों का सम्मान, पौधारोपण, समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान दिया जाएगा। आज कुशवाहा महासभा जिला विदिशा के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। चूँकि कुशवाहा महासभा जिला विदिशा द्वारा विगत 20-25 सालों से अलग अलग दिन में अलग अलग समय में भगवान कुश का जन्मोत्सव मनाकर कुश भगवान की जयंती मनाते थे, लेकिन बड़ा हर्ष के विषय कि हमारे बाबूलाल जी कुशवाहा के नेतृत्व में अब ये कार्यक्रम अलग अलग तारीख पर ना होकर के एक दिन बजरियो पर्व के दिन हम लोग भगवान कुश का जन्मोत्सव मनाते हैं उसी दिन पूरे ज़िले में एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और पिछले कई वर्षों से धर्मशाला के लिए हम काफ़ी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन शासन ने हमारी बात को अनदेखा किया है। इसलिए हमने तय किया कुशवाहा समाज स्वयं ही अपने बलबूते पर कुशवाहा समाज की जिला केंद्र धर्मशाला बनाएगा और भगवान कुश की जयंती के अवसर पर वृद्धों को भोजन, आशाओं को फल वितरण, पौधारोपण, सम्मान, मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान आदि रचनात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। इस साल देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसको लेकर पुलिस की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 15 अगस्त से पहले सुरक्षा के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने कमर कस ली है। रायपुर पुलिस लगातार अभियान चलाकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन की जांच कर रही है। राजधानी की सीमा में प्रवेश करने वाली कार गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। बता दें कि राजधानी रायपुर काफी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, संदिग्ध व्यक्ति होने की संभावना हमेशा बनी रहती है और रायपुर पुलिस का अभियान कार्रवाई लगातार जारी। लेकर रायपुर राजधानी पुलिस जो है वो सजग है। साथ के साथ सभी पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं, अतिरिक्त बल भी दिया गया है। और जैसा कि आप रायपुर में देख रहे हैं, पिछले 2-3 दिवस से रेलवे स्टेशन की चेकिंग, BDS चेकिंग, नाकाबंदी करके चेकिंग चल रही है और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। त्यौहार भी आगे है, त्यौहार के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। नए CSP लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है और पूरा प्रयासरत है राजधानी पुलिस की सभी व्यवस्थाएं शांतिपूर्वक और सहमत तरीके से सुरक्षित निकले। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना काल खंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ODOP योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं, वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नीयत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। सुबह के लिए उड़ चला गरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम देव गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार कर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य व लंबे समय से कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। बता दें कि अस्पताल में लगे शेड में छेद है, जहां बारिश होते ही पानी अंदर आता है, और तो और सीवेज में भी इतने मेडिसिन भीग जाते हैं। प्रसव कक्षा तो शुरू होते ही खत्म हो जाती है। कक्ष में अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा है, वो प्रसव जैसा नहीं बल्कि शेड लगाकर साइकिल गाड़ी खड़ी करने जैसा स्टैंड जैसा बनाया जा रहा है। ये हमारा एक सब हेल्थ सेंटर है देवगा। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है और रिपेयरमेंट में भी तो मैक्सिमम गया था, और वो कंटिन्यू बारिश हो रही है, थोड़ा सीपेज का प्रॉब्लम भी हो रहा है। और साथ में अभी बगल में एक एडिशनल रूम और बन रहा है, मैं देव गांव से बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है, यहाँ पे रिपेयरिंग काम चल रहा है, तो वहाँ काम चल रहा है, लेकिन क्या है वहाँ जो मेडिसिन है अभी अंदर में, क्या पानी टपक रहा है, तो इसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। खबर खमतराई इलाके से, जहां पर काम ढूंढने आई जांजगीर निवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। तीनों लड़के पीड़िता को अनजान जगह लेकर दुष्कर्म करने के लिए ले गए। वहीं पर मामले में खमतराई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों के नाम मुकेश साहू, संतोष बेलदार, राजेश साहू है। ये युवती अपने पति के साथ में बंजारी मंदिर में सोई थी। कोरबा क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ पे काम के सिलसिले में यहाँ पे आए थे और मंदिर में आश्रय लिए थे। तो ये युवक आया और इसके पति को झांसा देकर के बुला के ले गया। उसके बाद में फिर दूसरा युवक आया और युवती को बोला कि आपके पति बुला रहे हैं, ऐसा करके झूठ बोल के युवती को वहीं पर मंदिर के पीछे खेत में ले गए और उसके साथ में दुष्कर्म किए हैं। दोनों आरोपियों को की पहचान कर ली गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक परीक्षण। मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में महिला सांसदों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी के मामले में आक्रोशित यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमा झटकी भी हुई। वही केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र भाजपा हमेशा महिलाओं का अपमान करती है, कभी सम्मान नहीं करती है, और भाजपा शासनकाल में दुष्कर्म छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। महिलाएं स्वतंत्र होकर सड़कों पर घूम भी नहीं पाती। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निर्देशानुसार और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद खोखो पाड़े जी के मार्गदर्शन में हमने बालोद जिला यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे राज्यसभा में हमारी जो दो महिला सांसद छत्तीसगढ़ को जो गौरवान्वित करती है, महिलाओं का सम्मान जो यहाँ पर बना रही है, हमारी फूलोदेवी नेताम मैडम और
हमारी छाया वर्मा जी के साथ जो मार्शलों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए हम घोर निंदा करते हुए यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। खबर कोरिया से, जहां पर मनेन्द्रगढ़ के विधायक विनय जसवाल के द्वारा चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ की ट्रेनों को पुनः चालू करने के लिए 20 अगस्त को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन चिरमिरी में सभी चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ के नागरिक समस्या से जूझ रहे, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम एक दिवसीय आंदोलन करेंगे और यदि DRM हमारी बातों को अनदेखा करेगी तो हम 29 अगस्त को उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, पिछले 1.5 साल से कोरोना काल की वजह से रेलवे ने चिमरी से चलने वाली सारी जो शटल ट्रेनें हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, उनको बंद करके रख दिया, जिसमें चिमरी से रीवा की ट्रेन, चिमरी जो चंदिया ट्रेन है, शहडोल तक जाने वाली जो शटल है, ये तमाम जो ट्रेनें हैं वो बंद करके रखी। लगातार कई बार हमने पत्राचार किया है, DRM से बात किया है, इसके बाद भी जो रेलवे है इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा है, जिससे गरीब तबके के जो लोग हैं, हमारे सब्जी विक्रेता हैं, हमारे रेहड़ी वाले हैं, जो छोटे छोटे लोग जो अपने कामों के लिए लोग जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है और पूरा जो पूरे क्षेत्र में एक जनाक्रोश है। अब इसलिए हमने फैसला किया है कि अभी आने वाले 19 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करेंगे चिमरी के रेलवे स्टेशन में। इसके बाद भी अगर इन ट्रेनों को चालू नहीं करते हैं तो एक बड़ा जन आंदोलन और जो यहाँ के कोयला वाली जो रैक ट्रेन है उसको हम रोकने का काम करेंगे। सर, बीजेपी लगातार बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध जता रही है। बिजली दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे को सत्ता पक्ष कांग्रेस के खिलाफ उपयोग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में बिजली दर बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर जो तुगलकी फैसला लिया है उसके विरोध में 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में कैंडल यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही बिजली विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों को लेकर के आयोजित किया जाएगा और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग होगी कि जो बढ़े हुए रेट हैं सरकार उसको तत्काल वापस ले और इस संकट के घड़ी में किसानों को, आम उपभोक्ता को राहत मिल सके, उसके लिए इस मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मुख्यालय के फुहारा चौक में किया, जहां भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और राज्यपाल संबोधित ज्ञापन SCM को सौंपा। धरना का आयोजन हम लोगों ने कोंडागांव जिले में रखा है। यहाँ की स्थानीय मांग जैसे स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि उसके एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और उसकी जांच हो। जो जांच के बिंदु हमें उत्तर जो मिला है हम उससे संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, खाद गांव-गांव में ट्रकों में बट रहा है, ट्रक से लोग खरीद रहे हैं लेकिन किसानों को लेंस में नहीं मिल रहा है और 250 रुपए के खाद को, यूरिया को लोगों को 800-800 रुपए में, 700-700 रुपए में खरीदना मजबूरी है, खरीदना पड़ रहा है। तो जो सरकार है इसे मांग करते हैं कि ये व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें और जो बहने यहाँ से पलायन कर चुके हैं, पलायन किए हैं मजबूर, जिसमें नाबालिग बालिग उन सारे लोगों की कुछ छानबीन हो और तत्काल उन्हें वापस लाए। बिलासपुर में भी नर्सिंग के नाम से हमारी कम से कम 70-80 बहनें फंसी हुई है, उन्हें भी वापस लाया जाए। बोरिया कला में नर्सिंग के नाम से बहनों को ले जाया गया था, उनके मार्कशीट तक जब्त कर दिए गए, उन्हें भी वापस बुलाया जाए, उनके मार्कशीट वापस दिलाया जाए। इन मुद्दों पर लगातार हमारी बात हो रही है पर सरकार की तरफ से बैठे हुए लोगों में किसी भी तरह से इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसके विरोध में हम एक दिवसीय धरना का आयोजन। सामरी विधानसभा में युवा मोर्चा की पहली कार्य समिति बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पाकरा उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने और सभी बूथों में कार्यकर्ताओं की संख्या को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। गुटबाजी को खत्म करने के लिए आपसी सामंजस्य बनाना प्रमुख चर्चा का विषय था। लगातार 2 विधानसभा चुनाव आने के बाद सामरी में बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
की योजना जो है केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकार दबा। आप लोग तो छोटे छोटे थे, तो हमने भगवान जोगी राज में जनता विरोधी जो कार्य है, जिसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देना, खाद वगैरह की किल्लत होना, केंद्र के सरकार को जो जनता तक पहुंच रहा है उसको राज्य सरकार अपना बताना, ये सब संबंध को लेकर के पहली बैठक थी कार्य समिति का, और इसमें पूरे ब्लॉक के पूरे इस जनपद के इस मंडल के पूरे लोग उपस्थित थे। गंगा उफान पर है और जान संकट में पड़ गई है। पटना शहरी क्षेत्र के आधी आबादी को प्रतिदिन ताजी सब्जी और ताजा दूध पिलाने वाली गंगा नदी के नकती दियारा के लोग आज दाने दाने को मोहताज हैं। जीवन दायिनी गंगा के रौद्र रूप ने बाढ़ की पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि ग्रामीण घर व सामान को गंगा नदी के हवाले करते हुए मवेशी और अपनी जान की हिफाजत करने के लिए पटना शहर के दीघा घाट के ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। पटना सदर अनुमंडल का 14 वार्डों का पंचायत नकटा दियारा गंगा नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। बाढ़ लोगों के लिए आफत बन चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। आधे आधे घर जो है वो पानी में डूब चुके हैं। लोग बमुश्किल अपनी जान बचाकर स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र के दियारा में गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दियारा क्षेत्र के मठनी पंचायत में 3 गांवों के करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। लगातार जल स्तर में वृद्धि से अब बाढ़ का पानी सड़कों पर भी चढ़ने लग गया है। खड़कपुर मथार और कासिमपुर गांव के पास भी सड़कों पर पानी चढ़ गया है। इससे दियारा क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। हालांकि जोखिम लेकर किसी तरह लोग नाव से ही आवागमन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आप सड़कों तक चूंकि पानी भरा हुआ है, लोग नाव के सहारे पार हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लोगों को तमाम तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निर्मला सीतारमण ने जिन कंपनियों के निजीकरण का ऐलान किया है उनमें BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, IDBI, SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCI यानी कि कॉटन ऑपरेशन ऑफ इंडिया, BML और पवन हंस हैं। जबकि भारत के 75 साल बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बैठक में मौजूद उद्योगपतियों व औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों से कहा था कि आप सभी के प्रयासों से एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही। देखिए रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण ने जिन कंपनियों के निजीकरण का ऐलान किया है उनमें BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, IDBI, SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCI यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, BEML और पवन हंस हैं। जबकि भारत के 75 साल बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बैठक में मौजूद उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों से कहा था कि आप सभी के प्रयासों से एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, कॉनकोर, LIC आदि के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया। इससे पहले सरकारी कंपनियां बनाई गई और अब बेची जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का समर्थन करते हुए कहा था कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है।
मोदी ने कहा कि सरकार के पास कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या वो बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी 100 परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपक्रमों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सरकार इनका स्वामित्व अपने पास रखे। मोदी ने कहा कि सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सरकारी इकाइयों का निजीकरण करने को प्रतिबद्ध है। घाटे वाले उपक्रमों को करदाताओं के पैसे के जरिए चलाने से संसाधन बेकार होते हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल जन कल्याण योजनाओं पर किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकारी उद्यमों का निजीकरण सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सरकार का कहना है कि व्यवसाय करना हमारा काम नहीं है, जो कि लोगों के गले नहीं उतर रहा है, लेकिन सरकार के फैसले को मानना मजबूरी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और खबर साहिबगंज से है, जहां के तालझारी में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना घर घर जल घर घर नल की धज्जियां, वरीय प्रशासन अधिकारियों की नाक के नीचे, पंचायत स्तरीय अधिकारियों व बिचौलियों के द्वारा उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल ही जीवन है मिशन के तहत घर घर जल घर घर नल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया गया था। आज हम बात करेंगे घर घर जल घर घर नल का जो केंद्र सरकार की योजना है, उस योजना के लेकर हम लोग बात करेंगे कि इस योजना जो है धरातल पर कितना सफलतापूर्वक है। इस वक्त हम उपस्थित हैं साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड क्षेत्र के बाकुडी में, और हम लोग जानेंगे कि यहाँ जो है घर घर नल घर घर जल योजना के तहत लगभग 60 से 70 घर में नल लगाया गया है, लेकिन एक भी नल में पानी नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो ग्रामीण लोग जो है नल के पास खड़े हुए हैं और खड़े होकर पानी के लिए जो है घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा नल नहीं है जहाँ से पानी निकलता है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब से यहाँ पर नल बना है तभी से लेकर लगभग 6 से 7 महीना होने चला, लेकिन एक भी नल में एक बूंद तक भी पानी नहीं निकला है। हम लोग आस लगाए हुए बैठे हैं कि कब पानी निकले और हम लोग को पानी नसीब हो। यहाँ का ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इसकी शिकायत हम लोगों ने कई बार स्थानीय प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन सुध लेने तक नहीं आता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब के न्यूज़ इंडिया के टीम ने इस खबर को धरातल से उठाया और सरकार तक पहुँचाया है। के न्यूज़ इंडिया, गोविंद कुमार, साहिबगंज। गिरिडीह विधायक सुदीव कुमार सोनू निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व से ही जर्जर पुल पर खंडौली से बिछाए गए पाइपलाइन बाधित होने के कारण ये एक सरासर तकनीकी गलती थी, ये एक ऐसा ब्लंडर था जिसकी खामियाजा इस इलाके को भुगतना पड़ रहा है, और अब परिस्थिति यह है कि इस पुल को तोड़ने का काम तभी लग सकता है जब तक ये पाइपलाइन को शिफ्ट नहीं किया जाए। हमने विभाग के पदाधिकारियों से व संवेदक से बात कर सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जल्द से जल्द खंडौली डैम से पेयजल की समस्या निजात दिलाने के बाद पुराने पुल को तोड़वाकर नए सिरे से पुल को बनवाया जाएगा। पहलू यह है कि खंडौली से जब पेयजलापूर्ति का पाइपलाइन ले जाया जा रहा था, उस समय में शहरी जलापूर्ति के पाइपलाइन को इसी पुल के ऊपर से गुजारा गया, और ये एक सरासर तकनीकी गलती थी, ये एक सरासर एक ऐसा ब्लंडर था जिसका खामियाजा इस इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और खबर दिल्ली से है, जहां पर राजधानी के शालीमार बाग इलाके की आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने वार्ड 63 में हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम शालीमार बाग स्थित त्रिलोक भवन में रखा। इस कार्यक्रम में शालीमार बाग इलाके के विधायिका शालीमार बाग वार्ड से निगम पार्षद सुनीता मिश्रा पहुंची। महिला शक्ति ने विधायक वंदना कुमारी पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक वंदना कुमारी ने महिला कार्यकर्ताओं से दीप प्रज्वलित कर शुरू की। इस कार्यक्रम को शालीमार बाग इलाके के हर वार्ड में आपकी महिला शक्ति संगठन द्वारा किया जा रहा है। पहले तो अपने पूरे क्षेत्र को और पूरे हमारी पूरी दिल्ली के लोगों को मैं हरियाली तीज की, खासकर महिलाओं के सुहाग का बहुत बड़ा पर्व है
और इस पर्व के लिए मैं सभी महिला साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसी तरह से हम लोग हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। कोरोना काल के एक बड़े काल था जिसमें हम सब बहुत परेशान थे और हमने बहुत सारे अपनों को खोया है, तो आज एक नई जिंदगी की शुरुआत नए उमंग के साथ, नए उल्लास के साथ एक शुरुआत शुरू करी है, जिसमें हमारी विधानसभा की अध्यक्ष हीना नैयर जी, हमारी विधानसभा की मार्गदर्शक की टीम कमलेश जावा जी, हरियाली 30 का प्रोग्राम हमने रखा है कि महिलाएं बाहर निकलें घर से और एक्टिव हों, उनका भी योगदान होना चाहिए सभी कार्य में, और इसीलिए हमने ये 30 का प्रोग्राम रखा है और सभी महिलाएं बड़ी उत्साहित हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जोश भर रहा हुआ है महिलाओं में। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और खबर दिल्ली से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना की टीम के पर्वतीय अभियान को हरी झंडी भी दिखाई। और ये दो तस्वीरें जो आप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई, हरी झंडी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें शामिल हुए राजनाथ सिंह, पर्वतीय अभियान को हरी झंडी दिखाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मंडला जिले के बीजा डांडी थाना अंतर्गत गुरुवार की रात्रि में ग्राम उदयपुर पर स्थित ढाबे में दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें हमलावरों ने बबलू पंडा नाम के व्यक्ति की गोली मारने के बाद धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में बबलू पंडा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के निर्देशन में आसपास के थाने में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। वारदात के बाद से हमलावर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर मोहाली से, जहां सरकार के खिलाफ पटवारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। पत्रकार से बातचीत के दौरान पटवारियों ने कहा कि सरकार नई भर्तियां तो कर रही है लेकिन हमें लगातार दरकिनार किया जा रहा है। बता दें कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश के पटवारी काम छोड़कर हड़ताल पर बैठेंगे। खबर उज्जैन से है, जो आप धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी तल पर बने नाग चंद्रेश्वर के पट खुले। साल में केवल एक बार 24 घंटे के लिए पट खोले जाने की परंपरा का हुआ निर्वहन। आम श्रद्धालुओं के दर्शन पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध रहा। वहीं महानिर्वाणीय अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने पूजन किया, साथ ही कोरोना वायरस के चलते भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहा। जैसा कि आपको विदित थे कि आज नाग पंचमी का पर्व है और महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर है वो साल भर में एक बार खुलता है, आज ये खोला गया है। यहाँ पे महंत जी इसके प्रधान है, जिन्होंने यहाँ पे एक गरिमामय तरीके से
पूजा संपन्न करी है। जहाँ तक बात आम दर्शनार्थियों की है तो आम दर्शनार्थियों के लिए चूंकि कोविड प्रोटोकॉल है, ऐसी स्थिति में आम दर्शनार्थी के दर्शन प्रतिबंधित है कोविड के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से। और बाकी जो आम दर्शनार्थियों को दर्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन या टेलीविज़न के माध्यम से या प्रसारण के माध्यम से आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान के दर्शन श्री नागचंद्रेश्वर के आमजन को होंगे। के सभी दर्शकों को नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि प्रतिवर्ष एक दिन ऐसा आता है नागपंचमी का जिस दिन भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले जाते हैं, तो उसी परंपरा को उसी विधा को आगे बढ़ाते हुए आज रात्रि मध्य रात्रि में भी रात्रि 12 बजे भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए और जो हमारी पूजा पद्धति है उसी पूजा पद्धति का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने विधिवत भगवान का अभिषेक पूजन षोडशोपचार पूजन पंचोपचार पूजन अपन सब लोगों ने मिल करके किया है। और अब चूंकि कोविड के कारण जो गाइडलाइंस हैं जो शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसका पालन करते हुए जो त्रिकाल पूजा की परंपरा है उसका हम लोग पालन करेंगे। और भारत की बात तो फिलहाल उतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।